ऐसा हो गया, कोई बॉडी का हिस्सा चल नहीं रहा, ऐसा क्यों? इसका भी तो सब जगह से कनेक्टेड और सब जगह इसके साथ कनेक्टेड है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मल्टीपल डिजीजेस क्यों हैपन हो रहे, मल्टीपल डिजीज मल्टीपल डैमेज एक साथ नहीं हो रहे। एक ही साथ होते जब कोई एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट एक साथ अटैक होकर कोई डैमेजेस होता है। लेकिन ये जो मैं क्रॉनिक डिजीजेस का बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये शुरू होता है एक जगह से, स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड इट कीप्स ऑन एडिंग ऑन पॉइंट। I repeat again, any sort of chronic disease, it starts from one point and keep on adding on points. मतलब एक पॉइंट से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दसवां तक ऐड होते होते दोस्तों जाता है। So, अगर एक chronic disease को out करना है, तो उसको जड़ तक पहुंचना है। इसका क्या मतलब हुआ? अब जब आप कोई डायबिटीज पेशेंट या मल्टीपल बीमारी पेशेंट के पास जाएंगे, आपका अंडरस्टैंडिंग उसके तरफ काफी बेटर होगा, क्योंकि आप अगर उसके प्रॉब्लम को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो आप उसके प्रॉब्लम को कभी अंडरस्टैंड करा नहीं पाएंगे। Remember this, product जाके बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता होगा, लेकिन एक हेल्थ लीडर बनना, लोगों के हेल्थ में चेंज लाना, लोगों के हेल्थ में एक रेवोल्यूशन लाना, वही विक्ट्री है, वही लीडरशिप है। जस्ट जाके ओके पेशेंट मिला, 5-6-7-8 प्रोडक्ट बेच दिया, वो बिल में कोई भी कर सकता है, वन टाइम गेम। लेकिन आप वन टाइम के लिए पेशेंट को नहीं मिल रहे दोस्त। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आपको सुनने में शायद अच्छा नहीं लगेगा, बट कैलकुलेशन से अगर आप समझे, आपको एक पेशेंट मिला, आपने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचे, उससे जितना भी आपने कमाया, उससे आपका 10 माले का घर नहीं बनने वाला है। लेकिन अगर उस पेशेंट का 10 साल बिगड़ा हुआ जिंदगी को आप सुधार पाएंगे 10 हफ्ते में, तो डेफिनेटली वो एक पेशेंट 10,000 के बराबर जरूर हो सकता है। इस चीज को याद रखें। तो उसको अगर आपको सुधारना है, हमारा सप्लीमेंट्स का रोल सेकेंड में आएगा, पहले आपका खुद का रोल आएगा। अपना रोल आप खुद से निभाएंगे ना, तो सप्लीमेंट्स का रोल ऑटोमेटिक ठीक से निभाएंगे, बिकॉज उसके अंदर बिलीफ फैक्टर, मैं रोज बोलता था ना, ये बिलीफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बिलीफ फैक्टर पहले आपके ऊपर आना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक हमारे सप्लीमेंट्स के ऊपर आ जाएगा। तो सप्लीमेंट्स को आप लेके गए, सप्लीमेंट्स हमारा कोई फार्मेसी में नहीं बिक रहा है, सप्लीमेंट्स को आप लेके गए, आप ही आपके तरफ ही बिलीव आएगा, तो ऑटोमेटिकली सप्लीमेंट्स की तरफ दोस्तों बिलीव आएगा। ये अंडरस्टैंडिंग तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से ये चेन रिएक्शन को बोलता हूँ, उसके बाद हमारे ऑडियंस प्रोडक्ट के साथ रिलेशन को भी आपको इजी भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए जो चेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन आपको जानते हैं ना, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है, एक हुआ, एक यहाँ से फूटा तो फूटते 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 जाता है, जो एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब आप जो सुनते हैं, वो कुछ ऐसे चेन रिएक्शन होते होते जाते हैं। सेम वो हमारे बॉडी में भी बहुत सारे बीमारी चेन रिएक्शन जैसे दोस्तों फलते, इट मूव्स लाइक ए चेन रिएक्शन। और मैं बार बार डायबिटीज को बोलने का जो मेन कारण है, क्योंकि आप जिस टाइम ये चेन रिएक्शन समझ जाएंगे, 80% ऑफ द इंडियन मार्केट या नेपाल मार्केट आप कैप्चर कर चुके हैं, बिकॉज डायबिटीज पेशेंट का पैंक्रियास तो गया है, राइट? तो आपके लिए डाइट या डाइट जूस एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके साथ साथ उसका हार्ट भी तो गया है, तो डेली ऑटोमेटिक आपको अपॉर्चुनिटी आ गया। उसके साथ उसका लीवर भी गया, ऑटोमेटिक आपका स्ट्रॉन्ग लीवर अपॉर्चुनिटी आ गया। उसके साथ उसके किडनीज गया, ऑटोमेटिक विट्रस नेफ्रोफिट आपको अपॉर्चुनिटी गया। उसके साथ उसके लंग्स का, सांसों का प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक आपके नेचुरल तुलसी रॉक का अपॉर्चुनिटी आए। और उसके आंखें खराब हो गए, आपको मोरिंगा मोरिंडा प्रीमियम जूस दे सकते हैं, विटामिन और उसके सेक्स ऑर्गन्स खराब है, बोथ मेल फीमेल में इनफर्टिलिटी आ गया, ऑटोमेटिक एस्ट्रोलॉजी जिनसिंग अपॉर्चुनिटी आ गया। लेकिन आपके हर एक प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी तो ऑलमोस्ट आ चुका है एक डायबिटीज पेशेंट में। तो आप खुद समझ सकते हैं, डायबिटीज पेशेंट जो मैं 15-20 हजार डेथ बोल रहा हूँ, 15-20 हजार डेथ डिक्लेयर होता है डायबिटिक डेथ, लेकिन डायबिटीज पेशेंट का हार्ट अटैक से मरते हो अलग कैटेगरी में आ गया हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर से मरते देखो अलग कैटेगरी में। तो डायबिटीज रिलेटेड, डायबिटीज एंड इस प्रॉब्लम रिलेटेड डेली 50,000 लोग हिंदुस्तान में मरते ऑफिशियली, कहा कोरोना का 50 और कहा डायबिटीज, डायबिटीज एंड इस रिलेटेड डिजीज 50,000। यू कैन थिंक ऑफ द बिगर मार्केट, लेकिन किसी ने इसको थिंक नहीं कराया है मार्केट में, आपको कराना है। मैं आपको करा रहा हूँ इसको थिंक, आपको जाके मार्केट को कराना है इसको थिंक। ये पोस्ट कोरोना अप्रोच है, बिकॉज मैंने आपको कहा कोरोना के बाद सिचुएशन सेम नहीं रहेगा जो पहले था। मतलब पहले जो आप धीरे धीरे स्पीड में, धीरे धीरे पावर में काम करते थे, वो नहीं चलेगा दोस्तों। आपका पावर को 3-4 times, 5 times करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो लॉकडाउन की वजह से जो क्राइसिस सिचुएशन आया है, टाइम सिचुएशन आया, इसको ओवरकम करने के लिए आपके अंदर की स्किल्स को 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, पावर को बढ़ाना पड़ेगा, एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, आपके लीडरशिप क्वालिटी, ट्रेनिंग, पर्सनैलिटी सब 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज पहले अगर एक पेशेंट 4 महीना वेट करने के लिए रेडी था ठीक होने के लिए, दोस्तों अभी वो पेशेंट मैक्सिमम 2 महीना वेट करने के लिए रेडी है ठीक होने के लिए। तो आप उसको 2 महीने में तब ठीक कर पाएंगे, हमारा प्रोडक्ट जाके उसके ऊपर काम करेगा, लेकिन आप उसको तब 2 महीने में फटाक से ठीक कर पाएंगे
जब उसको आप करेक्ट अंडरस्टैंड कर पाएंगे, करेक्ट उसको अंडरस्टैंडिंग दे पाएंगे, उसके साथ ही आप करेक्ट कॉम्बिनेशन दे पाएंगे। हमेशा मुझे मैसेज आते रहते, मुझे फोन आते रहते, लोग मुझे कई दिन जाने पूछते सर कॉम्बिनेशन बताएं, सर कॉम्बिनेशन बताएं ना, इस पेशेंट को इस टाइप के प्रॉब्लम्स है, इसका कॉम्बिनेशन बताएं। प्रॉब्लम्स इतने सारे हैं कि कॉम्बिनेशन अगर वन टू वन बोले तो आपके लिए काफी नहीं है। कॉम्बिनेशन कोई एक बुक से, कोई मेरे से, कोई अपलाइन से कॉम्बिनेशन मत लीजिए, नॉलेज लीजिए कॉम्बिनेशन बनाने। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, आप मल्टीपल डिजीज या कोई भी डिजीज का कॉम्बिनेशन ना मेरे से लीजिए, ना हमारे ऑडियंस के बुक से लीजिए, ना कोई अपलाइन से लीजिए, आप अपना अपने अपना ही बिजनेस को बिगाड़ने वाले। आप हमसे कॉम्बिनेशन बनाना सीखिए, मेरे से कॉम्बिनेशन को रटिए मत, लिखिए मत, कॉम्बिनेशन मेरे से सीखिए कैसे बनाना है, हाउ टू मेक द कॉम्बिनेशन। मैं आपको एक प्लेट टेस्टी बिरयानी आज बना के दे दूंगा, आपको खिला दूंगा, पर मैं कल चला जाऊंगा बिरयानी के लिए, आप दर्शकों के जब तक मैं नहीं आऊंगा, क्यों ना मैं आपको, आप इसलिए मेरे से बिरयानी ना खा के बिरयानी बनाना कैसे हो सीखिए, ताकि आप खुद ही बिरयानी घर में बना पाओ, और बिरयानी को बना के आप जब मास्टर हो जाओगे तो हजारों लोगों को बिरयानी बनाना सिखा पाएंगे, आपका ब्रांड का बिरयानी तो हर जगह बिकेगा। तो आप अपने टीम को सपोर्ट, मतलब आप अगर रियली अपने आपके नीचे 100 डाउनलाइन है और 100 डाउनलाइन को 100 क्वेश्चन के आंसर देके मुझे या कंपनी को या बुक को या अपलाइन को पूछ के आप कॉम्बिनेशन का सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप अगर खुद सीखे टेक्निक को सीखे कॉम्बिनेशन में कैसे बनाऊंगा, तो आप कॉम्बिनेशन कैसे बना के कॉम्बिनेशन को कैसे 4-5 प्रोडक्ट में प्रेजेंट करूंगा, उसी टेक्निक को अगर आपने 100 डाउनलाइन में सिखाया गया, डाउनलाइन 100 गुना बढ़ जाएगा। कॉम्बिनेशन से रट के, मेरे से रट के आपको काम नहीं होगा, क्योंकि आपको बिजनेस में इंडिपेंडेंट बनना है, बिजनेस में आपको डिपेंडेंट नहीं बनना है, आपको स्वाधीन बनना है, पराधीन नहीं बनना है। स्वाधीन मतलब खुद से काम करना, सीखना किसी से लेकिन काम खुद से करना, पराधीन मतलब खुद को किसी के ऊपर डिपेंड होकर काम करना। मेरे ऊपर डिपेंड होकर काम मत कीजिए, मेरे से काम सीखिए, मैं आपको काम सिखाने के लिए आया हूँ, आपका काम करना मेरे बस का नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन पेशेंट को देना, आप अगर सोचेंगे डॉक्टर तथागत सर बोलेंगे तो मेरे ऊपर डिपेंड करके बैठना पड़ेगा, मैं एक इंसान 1 लाख मेरे साथ जुड़े, मैं हाउ मेनी पीपल आई कैन हेल्प, लेकिन मैं जरूर एक आओ, कॉम्बिनेशन बनाना कैसे, कॉम्बिनेशन को अंडरस्टैंड कैसे करना है, तो आप 1,000 से 1 लाख तक मैसेज को पहुंचा देंगे। इसलिए मैंने बोला आपको बिरयानी, मेरे से बिरयानी सीख लीजिए, बिरयानी चाहिए तो ये दिखाने का टेक्निक चाहिए तो ये दिखाए, मैं समझ जाऊंगा कौन सा चाहिए आपको। नंबर 2 वाला चाहिए ना, तो बिरयानी कैसे सीखा क्लास में थोड़ा डिटेल्स में बात करूंगा, कॉमन प्रोडक्ट के साथ आज आपको टिप्स दूंगा, ब्रीफ बोलूंगा, एक ट्रेलर बोलूंगा आल्सो, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। लेकिन मार्केट के 80-85% डिजीजेस को हम कवर कर पाएंगे, जिसको हम जनरल क्रॉनिक डिजीजेस बोलते हैं। कुछ ऐसे डिजीजेस हैं शायद जो आप, बिकॉज आप मेडिकल फील्ड से नहीं है, मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं, आप एक बार में अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, दैट इज ओके, उसके लिए हम लोग हेल्प हैं। लेकिन सर डायबिटीज हो गया क्या करें, सर किडनी हो गया क्या करें, सर हार्ट हो गया क्या करें, ये आप खुद कवर करें। कुछ ऐसा डिजीजेस है, मुआ मुआ जैसे कोई डिजीजेस, ऐसे कोई खतरा डिजीज अलग तरीके का, विच यू डोंट अंडरस्टैंड, वी आर देयर टू हेल्प, योर सीनियर्स आर देयर टू हेल्प। बट मार्केट के 80-85% ट्रीटमेंट कवरेज अगर आप कर सकते हो, तो आप 80% मार्केट ले लिया, आपको अचीवमेंट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप सोच रहे कि सर मैं कॉम्बिनेशन के लिए प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए, बिल्कुल प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए, वो आपके पास है, मैं जानता हूँ आप में से हर कोई प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा रखता है, बट प्रोडक्ट का नॉलेज इज द नॉट ओनली थिंग जिसके वजह से आप कॉम्बिनेशन बना पाएंगे, देयर इज सम अदर थिंग जो मैंने आज आपको सिखाया, डिजीज समझना। आप जिस टाइम बॉडी और डिजीज को समझ जाएंगे, कॉम्बिनेशन आप कैसे बना पाएंगे। क्यों आपको एक सिंपल बात बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा सोचिए, मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए और सोचिए और इमेजिन कीजिए, इमेजिन है ना, परिकल्पना कीजिए। आप कभी ना कभी लाइफ में डॉक्टर के पास तो गए होंगे, क्लिनिक में बीमार हो गए, कभी ना कभी तो 100% गए होंगे। तो एक डॉक्टर देखिए, एक डॉक्टर आपको जैसे पेट का प्रॉब्लम देखेंगे, पेट बहुत बड़ा जगह है पाचन प्रणाली, डॉक्टर आप पूछते यहाँ पे दर्द है, इस साइड में है, इस साइड में है, स्टेथो लगा है, ब्रीदिंग करे, तो आपको क्या करता है, आप काउंसिल करता है, वो आपके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है। उसको पता है कि वो अगर आपको सीकम बोले, बोल के इंटेस्टाइन के हिस्सा आपको पता नहीं होगा, इलियम बोले पता नहीं, डोरियन में पता नहीं, वो आपको पूछ रहे इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, यहाँ पे है, वहां पे है,
अच्छा वो आपको क्या कर रहा है,